हेलो एवरीवन, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और ये मेरे पास है। मैंने जैसे अभी आपको दिखाया है, पहले अपने बालों को कवर कर लेती हूँ। हेयर वॉश लेना है मुझे, लेकिन आज नहीं, बाद में देखती हूँ, क्योंकि मुझे कोई रेमेडी भी फिर करनी पड़ेगी, इसीलिए बाद में देखती हूँ मैं। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये है मेरे पास कच्चा दूध। तो इससे क्या करना है, कच्चे दूध में थोड़ी सी कॉटन लीजिए, या आपके पास वाइप वगैरह है तो वो ले सकते हैं आप। और इससे अपने फेस को आप ऐसे करके क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, आपके चेहरे की धूल मिट्टी सब इजीली साफ हो जाती है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। सब जगह से आप इससे अपना फेस क्लीन कर दीजिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा निकल जाती है मेरे पास, क्योंकि मैं ना काजल लगा के रखती हूँ इसीलिए। तो ये देखिए, ये काला हो गया, काजल लगाती हूँ ना मैं। और दूध ना बहुत अच्छा है, अगर दूध से आप अपना फेस क्लीन करेंगे, दूध में जो थोड़ी सी हमारे चेहरे के ऊपर डस्ट, धूल, मिट्टी होती है ना, दूध उसको मतलब क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं बताऊं, बहुत लोग तो क्या करते हैं, थोड़े से दूध लेके दूध से नहाते भी हैं। अपने लगा के इसको अप्लाई करके अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन कर लिया है इससे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मसाज भी ले सकते हो, अगर आपको मसाज लेनी है तो। मैं क्या करूँगी, मसाज अब नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे अभी जाके सीधे कुछ देर बाद नहाना है, तो मैं अभी मसाज वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ। तो अभी मैंने अपना फेस जो है दूध से क्लीन कर लिया है, और मसाज वगैरह अगर मुझे स्क्रब करना है या फिर मुझे एलोवेरा जेल की मसाज लेनी है तो वो मैं फिर शाम को लूँगी। शाम को अच्छे बेनिफिट होते हैं इसके, अच्छे फायदे मिलते हैं हमको, क्योंकि रात को क्या है ना, सोने से पहले आप ये सब करो गर्म पानी के साथ। अगर आपको मसाज करनी है एलोवेरा की, वो कर लीजिए आप। चीनी एलोवेरा जेल मिक्स करके आप मसाज कर सकते हैं, ग्लिसरीन भी उसमें डाल सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा भी कुछ नहीं है तो आपके घर में स्क्रब होगा, कोई भी माइल्ड सा नॉर्मली एक स्क्रब ले लीजिए, काफ़ी दिन तक चल जाता है। अगर आप चीनी वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो फिर उससे भी अपने चेहरे को अच्छे से स्क्रब कीजिए गर्म पानी के साथ। लेकिन और अगर हो सके तो हफ्ते में एक बार स्टीम जरूर ले लें सर्दियों में, मैं तो लेती हूँ, बहुत अच्छे फायदे होते हैं स्टीम के, स्टीम जरूर लेनी चाहिए सर्दियों में। तो मैं हफ्ते में एक बार कम से कम लेती हूँ। उसके अंदर अगर चाहो तो आप विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हो। देखो मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ, मैं किसी कहीं से देख के या कुछ नहीं, ये चीज़ तो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। तो ये आप ले सकते हैं, गर्मियों में आप आइस से कर सकते हैं अपने फेस की मसाज, और सर्दियों में आप स्टीम ले सकते हैं। तो चलते हैं, अभी देखिए सूख गया है। अब मैं अपना जो फेस है कभी भी गर्म पानी से वॉश नहीं करती हूँ, कभी भी ठंडे पानी से करूँगी। और अभी मैं ना अपने हाथों पे भी इसको साफ कर लूँगी, हाथ भी क्लीन हो जाएंगे मेरे बिल्कुल। तो ये अभी चलते हैं और मिलते हैं अभी बाद में आपसे। टाइम हुआ है अभी 6:20, और मैंने अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग तो दोपहर सुबह से ही कर दी थी हालांकि, लेकिन एक बार मैंने बस एक अपनी वीडियो बनाई क्लिप, और उसके बाद मैंने कुछ बनाया ही नहीं। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। आज सब्जी बनेगी आज आलू और टमाटर, आलू मटर बना रही हूँ। तो पहले इसमें ऑयल डाल देती हूँ एक बार। आज क्या हुआ ना, आदि की तबीयत खराब है सुबह से ही, उसकी तबीयत हो गई खराब, क्योंकि उस वो कल मार्केट गया ना, और उसने कुछ मतलब पहना नहीं कुछ भी। कल सुबह ना मॉर्निंग में वो साइकिलिंग करने भी गया, तो उसने कुछ कपड़े वपड़े नहीं पहने ना अपने, इसी चक्कर में उसकी तबीयत हो गई खराब। तो उसको थोड़ा सा तो मतलब वो रखा है, उसके सर में दर्द है उसे, और उसे थोड़ा सा मतलब फीवर के टाइप हो गया है, फीवर तो नहीं है लेकिन उसे लग रहा है कि ऐसे जैसे कि। और बस अभी मैंने चाय भी बनाई है अपने लिए, और ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है अपना, और मैंने कहा चलो फटाफट कर लेते हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी, ऑयल मैंने डाल दिया है इसके अंदर। तो बस मैं अपने बाकी तैयारी कर लेती हूँ। टमाटर थोड़ा जल्दी ही है मुझे, तो टमाटर मैं इसमें चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ। बस फटाफट बारीक बारीक दो मिर्च काट रही हूँ और सब्जी बना दूँ, आटा लगा देती हूँ। बाकी कुछ सब्जी ये लेके आएंगे, अभी आएंगे ना तो कुछ ये लेते आएंगे, और चाय भी पी लेती हूँ साथ में। चाय अभी एक बार और बनेगी, अभी इनके लिए चाय बनेगी, आएंगे तो।
इनकी बनेगी चाय तो अभी, तो बस मैं इसी में लगी हूँ। अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा है बाहर तो। और आज मैं मतलब पूरा दिन हो गया मैंने रेस्ट बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि पहले घर का काम किया, घर के काम से फ्री होके फिर मैंने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद फिर मैं बैठ गई मशीन के ऊपर अपनी सिलाई मशीन पे, और फिर मैंने एक सलवार जो थी ना कंप्लीट हो गई, सलवार स्टिच कर ली, जो मैंने ब्लैक सूट की कटिंग वो सलवार की कटिंग दिखाई थी वो सलवार मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। तो ऐसे करके फिर कल उसका सूट कंप्लीट होगा, तो ऐसे करके एक एक दिन करके बनाऊंगी। दो बड़े टमाटर ले लिए मैंने इसके लिए, और पहले बना लेते हैं सब्जी आलू और मटर की। तो जैसे मैंने बताया था ना आपको आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, तो देखिए मैंने ना भूल गई मैं उसको क्लिप को शूट करना, तो मैंने यहाँ पे बस अब टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर डालने के बाद मैं इसको मसाले वगैरह डाल के सब मैं इसको चला रही हूँ। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कैमरा ऑन करना, नमक भी डाल दिया है, और बस यहाँ पे झटपट से मैं ये सब्जी तैयार कर लेती हूँ अपनी आलू और टमाटर की। अच्छे से मसाले को पहले भून लूँगी, और बस फिर अपना आज मैंने उबाल के नहीं बनाई, आज ऐसा मन किया मैंने कहा चलो आज कट करके बनाते हैं आलू को, बड़े बड़े पीसेस में कट करके, और मटर ले रही थी मैंने, मटर के दाने ले लिए थे, तो मैंने कहा चलो इस तरीके से बनाते हैं। पहले यहाँ पे देखिए सब्जी ना इसके अंदर डाल दी है, और इसको यहाँ पे पहले अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाएँ, और इसके बाद अपना पानी डाल देते हैं जितना भी चाहिए, जितनी आपको पतली रखनी है, जितनी आपको सब्जी में पानी आप रखते हो। तो आलू टमाटर की सब्जी देखो थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है, तो मैंने बस इतना ही पानी रखा है, तो ठीक है ना, कम है ना। बस 3 से 4 सीटी लगेंगी, धनिया साफ कर लेती हूँ और चाय ले लेती हूँ पहले अपनी, नहीं तो मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। मैंने चाय बना के रख दी, बस वाणी को तो मैंने दे दी, और अपनी नहीं ली मैंने चाय, बस अपनी भी ले लेती हूँ, और धनिया कर लेती हूँ साफ। अभी ये आने वाले होंगे, आदि भी निकल गया था इनके पास, तो आदि को दवाई दिला के लेके आनी है डॉक्टर के यहाँ से। और मैंने जिन्हें बोला था आदि को, मैंने कहा चल मैं लेके चलती हूँ दवाई के लिए तेरे को, लेकिन के नहीं पापा के साथ ही जाऊँगा। जैसे उसके पापा आए ना तो वही स्कूटी लेके चला गया, तो उधर से इसके पापा उसे रास्ते में ही दवाई दिला दी, कोई सब्जियाँ वगैरह है, अब दूध भी लेके आना है दही के लिए, जो मतलब दूध लेके आएगा ना, अभी एक पैकेट दूध मंगा।